हेलो भाई, गुड मॉर्निंग टू माई अनदर ब्लॉग। तो लगभग एक महीने के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो मैं कल मुंशी आ गई थी अभी, तो बताई तो मैं बताया था कि मैं कल कैला देवी गया। तो आपको दिखाता हूँ उस कुछ मंदिर की झलके, देखते हैं चलो। तो भाई अभी हम आ चुके हैं माता के दुकान पर से प्रसाद ले लेते हैं और फिर चलते हैं अभी अंदर मंदिर में। तो ये मंदिर का फर्स्ट गेट है प्रांगण, तो चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये माता जी का फर्स्ट मेन मंदिर है, मंदिर का प्रांगण है। तो चलते हैं मंदिर में, पूजा पाठ करते बाद में बनाएंगे वीडियो, मिलते हैं आपसे आरती करके। ओके भाई, हमारा माता जी का मंदिर आने का मेन रीज़न यही था। अब इस वक्त तो यात्रा चल रही थी, मंदिर खाली है, लेकिन हम हमारे जो भैया ने गाड़ी ली है बाइक, उसका पूजन कराने आए थे यहाँ। तो अभी पंडित जी पूजन कर रहे हैं गाड़ी का, तो पूजन करा के फिर कैला देवी चलेंगे। तो भाई इस बाइक का पूजन तो हो चुका है, अब चलते हैं। आरती वारती कर ली हमने, अब चलते हैं कैला देवी जाएंगे हम। तो आपको दिखाते हैं कैला देवी। तो ये बाहर से बाहर की तरफ मंदिर से बाहर आ चुके हैं हम अभी। तो सामान वामान अपनी गाड़ी लेते हैं और चलते हैं वापस। भाई ये दुकान है मंदिर में से प्रसाद वगैरह लेने के लिए, अभी तो कम दुकान लगी हुई, लेकिन जब मेला चलता है उस समय काफ़ी दुकान होती है। तो चलते हैं अभी हम। तो भाई ये हमारे कुल देवता है, उनका मंदिर है फतेह सिंह बाबा। तो ये काली सिल्क के पास में, जो कि एक नदी है यहाँ की लोकल नदी, उसके पास से बना हुआ है, बीच पहाड़ों में, खेतों के बीच में। वैसे कम यात्री आते हैं यहाँ पर। तो गाइस देख सकते हैं ये कितना भरा हुआ है पानी नदी में, अभी तो कम है, लेकिन बीच में से फूल हुए कुछ कमल के फूल जैसे, शायद पता नहीं एक दिन क्या है, पहाड़ों के बीच कितना सुंदर लग रहा है। तो भाई ये है कैला देवी का मंदिर, तो हम कैला देवी आ पहुँचे हैं। तो ये अंदर मंदिर में जाने के लिए रास्ता है, पहले खुला था लेकिन अब टीन वगैरह से ढक दिया है यहाँ पर। तो ये सारी दुकान है दोनों साइड, एक तरफ प्रसाद वगैरह की दुकान है, दूसरी तरफ बच्चों के लिए खिलौने वगैरह और कुछ सामान की दुकानें भी है। तो चलते हैं मंदिर में। भाई ये कैला देवी का मेन मंदिर है, तो चलते हैं अंदर। लेकिन भाई आपको पता होना चाहिए कैला देवी में एक ही रास्ता नहीं है, काफ़ी रास्ते, तीन चार रास्ते। तो आप वहाँ से घुस सकते हैं कहीं से भी, अभी इधर से चल रहा है जाने के लिए। तो चलते हैं यहाँ, पहले मंदिर के बाहर ही अगरबत्ती और दीपक यहीं जलाने पड़ते हैं, तो नहीं वो चलिए नहीं अभी। तो चलते हैं मंदिर में। हमारा पोपट हो चुका है, आज मंदिर बंद है अभी, शायद यहाँ पर वो कहते हैं कि राजभोग लग रहा है, तो मंदिर अभी हाल फिलहाल तो बंद है, भीड़ भी कम है। लेकिन आज सोच रहे थे दर्शन हो जाएंगे, लेकिन दर्शन हो नहीं पाएंगे, तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा वैसे ही निराश खाली हाथों के। तो भाई अभी हम आ चुके हैं हमारी माता के तीसरे मंदिर, जिन्हें बरवासणिया अमरवाल की माता बोलते हैं। तो अभी हम दर्शन करने से पहले नदी में नहाने के जाने,
नहाने के लिए जा रहे हैं। मंदिर के जस्ट पीछे पहाड़ के पीछे नदी है, तो आपको दिखाते हैं। ये देखो बंदर कितने प्यारे प्यारे डोल रहे हैं, मतलब बंदरों की दया भरमा रहे, काफ़ी सारे बंदर हैं ऊपर भी वो मंदिर ऊपर पहाड़ पे। तो अभी अब चलते हैं नदी में नहाने के लिए, दिखाते हैं आपको नदी कितनी भरी हुई है, एकदम फुल भरी हुई है, पूरा पहाड़ भी हरा भरा है। चलते हैं नहीं। आपको जो बोट दिख रही है नदी में आती हुई, उसमें क्या है लोग बैठ के आते हैं, इस तरफ नदी उस तरफ भी गांव है, तो आने जाने के लिए सड़क तो है नहीं, ना कोई पुल है कि लोग जिससे पार कर सके, तो ये एकमात्र जरिया है। जब नदी में पानी आ जाता है तो लोग नाव पर ही अपनी गाड़ी वगैरह बाइक वगैरह और सामान रखे इधर नदी पार करते हैं और सिटी में आते हैं। जो अंकल जी बाबा वो मच्छी पकड़ रहे, उन्होंने एक मच्छी पकड़ी अपने कांटे में, देखते हैं कितनी बड़ी मच्छी पकड़ी है। चलते हैं भाई साहब, ये छोटी मच्छी लेकिन पकड़ ली, जो कैसे तड़पड़ा रही, कितनी प्यारी लग रही है, देखते हैं ओह कैसी लग रही है, बिल्कुल अच्छी। चून खाया थे कहते जीते थे मोना पे बोले मम्मा रास्ता बंद ना कौन सा मत है फोन बीज का तेरा मम्मी तो हटा डांस तो कर रही है ना नाना जल्दी तो भाई अभी मैं नहा के बाहर आ चुका हूँ, पानी बहुत ठंडा था, नदी एकदम चिल्ड पानी, साफ पानी है, देखो कितनी भरी हुई है नदी, बहुत डेंजर है, हम तैरना तो नहीं आता, हम तो सीढ़ी पे बैठ के नहाए। फिर चलते हैं माता जी के दर्शन के लिए, मिलते हैं आपसे मंदिर में।
दोस्तों ये मंदिर है बरवासर माता जी का यहाँ मरवा। तो इस मंदिर में आए हैं, यहाँ से फिर हम एक जगह और जाते लेकिन वो काफ़ी दूर है तो वहाँ बाइक से जा नहीं सकते, तो कभी गाड़ी से जाएंगे तब दिखाएंगे आपको। तो यहाँ से पूजा पाठ करके चलते हैं हम घर, मिलते हैं आपसे घर जाके। ओके वहाँ पर जहाँ तक एंजॉय किए, मंदिर देखिए पूरा, आपको इस मंदिर की खासियत बता दो मैं थोड़ी बहुत कुछ। चलते पहले हम पर कम्मा लगा लेते हैं। ए बड़ी दोस्तों जो कलश देख रहे हो ऊपर, वो कहते हैं सोने के 3 कलश किसी भक्त ने उसकी श्रद्धा पूरी होने पर चढ़ाए थे चढ़ावा के तौर पर। सोने के 3 कलश है, वो छोटा सा मंदिर लेकिन फिर भी कितना अच्छा चढ़ावा आता है इसमें देख सकते हैं। अभी वहाँ उस गेट के पीछे नदी है पागल जहाँ से आए थे ना दो थे। आपको ब्लॉग पसंद आया हो एंड ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना। आई होप थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।